हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपका राशिफल, जो कि लग्न पर आधारित है। तो प्रारंभ करते हैं। 19 जून 2018 है और मूलांक बना है 1, जिसका स्वामी सूर्य है, और भाग्यांक बना है 9, जिसका कि स्वामी मंगल है। तो सूर्य और मंगल का प्रभाव रहेगा जो जातक आज जन्म लेंगे, और बहुत ही तेजस्विता रहेगी उन पर। लग्न चाहे कोई भी हो, लेकिन सूर्य का प्रभाव तो रहेगा ही, और बहुत ही स्वाभिमानी होंगे बच्चे जो जन्म लेंगे और जीवन में ऊंचाइयों को भी छुएंगे, क्योंकि जो सूर्य की पोजीशन है अभी काफ़ी अच्छी चल रही है। सूर्य और जो बुध है उनकी बहुत अच्छी युति बनी हुई है। बुध आदित्य योग बना हुआ है। बुध आदित्य योग भी कई तरह से बनता है, लेकिन ये जो स्थिति बुध आदित्य योग की बनी हुई है, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बुध यहाँ पर अपनी स्वग्रही अपनी खुद की राशि में है, स्वग्रही हैं और सूर्य के साथ में है। तो बहुत ही अच्छा उत्तम योग बन रहा है। बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होंगे और उनकी मैथ्स वगैरह भी बहुत अच्छी होगी। बुध आदित्य योग अगर बहुत अच्छा बन रहा हो तो मैथ्स वगैरह बहुत अच्छी होती है ऐसे बच्चों की। और चलिए अब आगे बात करते हैं। और आज षष्ठी और सप्तमी तिथि है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। तिथि एक दिन में 2 तिथियाँ हैं और वार मंगलवार है। पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, और इसके अलावा तैतिल नामक करण है। वज्र और सिद्धि, ये 2 योग पढ़ेंगे। और चंद्रमा सिंह में है संपूर्ण दिन। और इसमें एक चीज़ और याद रखने की है कि जो पाया है वो रजत का रहेगा, चांदी का पाया रहेगा, अच्छा होता है। और जो बच्चों का नामक्षर निकला है इस अवधि में, मो टा टी टू, ये नामक्षर निकले हैं। अब मैं बात करती हूँ ग्रह स्पष्ट की, जो कि 5:30 भारतीय समय के अनुसार है सुबह का। सूर्य और बुध मिथुन में है, शुक्र राहु कर्क में है, चंद्रमा सिंह में है, बृहस्पति तुला में है, शनि धनु में है, और मंगल और केतु मकर राशि में है। तो ये ग्रह की स्थिति है। और अब हम प्रारंभ करते हैं आपका राशिफल, जो कि आप लग्न से ही देखना, बोलते नाम से मत देखिएगा इसको, आप लग्न से देखना जो लग्न है आपकी। प्रारंभ करते हैं मेष से। मेष के लिए चंद्रमा की जो स्थिति है एक मध्यम बनी है, बहुत ना बहुत बढ़िया ना बहुत बेकार। लेकिन लग्नेश जो मंगल हैं उच्च राशि में चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा केतु से परेशान है। केतु और राहु जो है, आपको मालूम ही 180 डिग्री पर होते हैं राहु केतु, तो राहु और केतु का प्रभाव है। लेकिन फिर भी अपनी ओझ अपनी तेजस्विता को कायम करके रखेंगे, और सूर्य की पोजिशन भी ट्रांजिट में अच्छी है, तो इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए लोग लाभान्वित होंगे इस अवधि में। तो वैसे ठीक है, आपका थोड़ा सा एक दिन और वेट करिए, 1-2 दिन बेटर टाइम बन जाएगा, उसकी रूपरेखा आप बना सकते हैं आज। वृषभ के लिए थोड़ा स्वास्थ्य का पाया नरम रहेगा, थकान रहेगी, मातृ पक्ष थोड़ी चिंता या परेशानी हो सकती है। माँ की कुछ बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि माँ आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगी, आपकी भलाई ही चाहेंगी। तो ठंडे दिमाग से आप उनकी बात को सोचिए, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मिथुन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, और बहुत ही सूझबूझ और अपनी, जिसको बोलते हैं ना, अपना जो दिमाग, एक इंटेलिजेंसी आपके भीतर है, उसकी वजह से बहुत अच्छा आज का दिन निकालेंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि घर वाले भी वाह वाह कह उठेंगे। तो बहुत बढ़िया टाइम है। कर्क के लिए धन वृद्धि के योग हैं, धन आएगा, और जोड़ तोड़ कैसे भी करके पैसा आएगा आज, तो आपके लिए अच्छा टाइम है, लेकिन इसके लिए मेहनत ज़रूर आपको करनी पड़ेगी। सिंह के लिए अच्छा समय है, और आज कुछ ना कुछ नया सोचेंगे करने के लिए, एनर्जी लेवल भी हाई है, और प्रतियोगी परीक्षा वगैरह की कुछ सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा दिन है। और उसके लिए लोगों से मिलिए, और अपनी कोई काउंसलर से मिलिए, और आगे के लिए भूमिका बनाइए, तो बहुत अच्छा आपके लिए आज का दिन साबित होगा। कन्या के लिए स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर है, बॉडी में पेन वगैरह हो सकता है, दर्द हो सकता है, और आराम कर लें तो बेटर रहेगा। अब मैं बात करती हूँ तुला की। तुला के लिए अच्छा है दिन, मेहनत में सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, कहीं घूमना फिरना होगा, एंजॉय करना होगा, और कहीं होटल रिजॉर्ट वगैरह में या कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में घूमने जाएंगे आज, और एंजॉय करेंगे अपने दिन को। वृश्चिक के लिए अच्छा है, अपने बॉस से आज बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, तारीफ़ करेंगे बॉस भी आपके कार्य की, ऑफिस में वर्क प्लेस पे बहुत ही प्रशंसा होगी, बहुत अच्छा टाइम बना है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होने की पूरी संभावना है, गवर्नमेंट से कोई ना कोई लाभ आपको आज होगा।
अब मैं बात करती हूँ धनु की। धनु के लिए भाग्य में अवरोध निरंतर बना हुआ है अभी और ये एक दिन ये स्थिति एक दो दिन और रहेगी, तो थोड़ा पेशेंस रखें और थोड़ा सा अच्छे समय का इंतजार करें, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। अब मैं बात करती हूँ मकर की। मकर के लिए स्वास्थ्य का पाया बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित करने वाला बना है। एक तो क्रोध बहुत आएगा, शत्रु पक्ष से उलझेंगे और दूसरे आपकी बात को समझेंगे नहीं, तो इस बात के लिए कई पुलिस वगैरह के झंझट भी आपके हो सकते हैं, कोई लीगल एडवाइस भी आप लेने का सोचेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से कोई भी आप रास्ता निकालिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का हल नहीं है। कुंभ, कुंभ के लिए जीवन साथी की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपको लगेगा कि वह जीवन साथी होना सार्थक हो रहा है और आज दिन बहुत अच्छा निकलेगा। जीवन साथी से छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है लेकिन फिर भी मधुरता बनी रहेगी। मीन के लिए आज दिन अच्छा है, जो भी करना चाहते हैं कर डालें, आगे हो सकता है दो तीन दिन बाद स्थिति अनुकूल ना रहे, अभी दो तीन दिन अच्छा समय बना है, कोई भी काम जो महत्व का है उसको कर डालिए। तो ये तो था आपका राशिफल जो लग्न पर आधारित था। ये राशिफल आपको कैसा लगता है अवश्य ही बताइएगा और इसके अलावा आप जय श्री राम जरूर भेजिएगा कमेंट्स में यदि आपको ये राशिफल पसंद आया। मैं आपके शुभत्व की कामना करती हूँ, आपके साथ भगवान शुभ ही शुभ करे और हर परेशानियों से आपको भगवान दूर रखे, मैं यही प्रार्थना आपके लिए करती हूँ। सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को मेरा सादर प्रणाम और आप दिनों दिन उन्नति करते रहें, एकता का भाव बना के रखें, किसी से भी झगड़ा ना करें, किसी को भी अपने से छोटा ना समझें, हर व्यक्ति मनुष्य के संतान है और सबके प्रति समरसता का वातावरण रखें। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।